गुजरात में शनिवार को पहले चरण के मतदान होने हैं। 89 सीटों के लिए कल वोटिंग की जाएगी। जहां एक तरफ बीजेपी की ओर से अभी तक घोषणा पत्र भी जारी नहीं किया गया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस खेमा सत्ता में आने के लिए अब किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं लेना चाहती है। राहुल गांधी जहां कांग्रेस पार्टी को फ्रंट फुट पर संभाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईवीएम को लेकर खड़े हुए सवाल पर कांग्रेस किसी भी तरीके का जोखिम नहीं लेना चाहती। कांग्रेस ईवीएम की गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर अपने उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है। जो प्रतिनिधि पोलिंग बूथ पर बैठने वाले हैं, उन्हें समझाया जा रहा है कि ईवीएम को लेकर अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसकी जानकारी किसे देनी है, किस अधिकारी को ऐसी गड़बड़ी के लिए फोन करना है। साथ ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि स्ट्रांग रूम जहां ईवीएम रखे जाते हैं वहां जैमर लगाए जाएं। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को भी ट्रेनिंग दे रही है ताकि ईवीएम में किसी भी तरीके की गड़बड़ी का पता लगाया जा सके। साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी मदद ली जा रही है। कांग्रेस को आशंका है कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी कर सकती है। इसकी वजह से कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ चुनाव आयोग ये भी ख्याल रखे कि ईवीएम में गड़बड़ी ना हो। अब कांग्रेस के ईवीएम को लेकर ये पुख्ता इंतजाम पार्टी को कितना फायदा देते हैं, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्वयं टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।